विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडलसेरा में बच्चों ने इंटर बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को विदाई देते हुए परिषदी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए समय प्रबंधन व तनाव मुक्त रहने के बारे में अपने सुझाव दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा दे रहे बच्चे तनाव मुक्त रहते हुए परीक्षा में बैठे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए टाइम प्रबंधन जरूरी है, एक शेड्यूल बनाकर परीक्षा की तैयारी की जा सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य एएस तोपाल, प्रबंधक कुंदन सिंह परिहार, उप प्रबंधक आशीष धपोला आदि ने भी परिषदी परीक्षा दे रहे बच्चों को शुभकामना देते हुए तनाव मुक्त रहने की अपील की। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय के 334 बच्चे इंटर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे जो इस समय 12वीं में प्रसिद्ध परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं 334 छात्र छात्राएं सम्मिलित हो रहे हैं इंटरमीडिएट की और 242 छात्र छात्राएं हाई स्कूल की। तो हमारा जो आज इनको फेयरवेल था यानी शुभकामना जो हमने समारोह किया, तो अपनी इच्छा थी कि हमारी जिला की जो माननीय जिलाधिकारी महोदय है उनके द्वारा बच्चों का मोटिवेशन हो। उन्होंने बहुत मोटिवेशन बच्चों को किया कि आपको आफ्टर इंटर क्या करना है, ऐसा पूरा छात्र छात्राओं को उन्होंने समझाया और साथ साथ में ये संदेश भी दिया कि हमें परीक्षा का बहुत अधिक दबाव नहीं रखना है और अभी तो हमारी स्कूली लाइफ है, आगे जो कॉलेज लाइफ होगा उसको कैसे मैनेज करना, ऐसे जिलाधिकारी महोदय ने टिप्स दिए हैं। और मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय जिलाधिकारी महोदय का अपना आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा आज विवेकानंद विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको एड्रेस करा। आज विवेकानंद इंटर कॉलेज में 12वीं के बच्चों का आज विदाई जो समारोह रखा गया है उसमें मुझे शुभकामना संदेश देने का अवसर मिला। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विद्यालय प्रशासन का कि इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मेरा पहले से ये था कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत छोटे सिटी में रहते हैं और छोटे सिटी से जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, बच्चों के मन में स्पेशली जब वो बाहर पढ़ने जाएंगे कॉलेज में, और बहुत फियर रहता है, इन्फीरियोरिटी भी रहती है कहीं ना कहीं लेके कि बाहर की एडवांस सोसाइटी में हम कैसे मिलेंगे। तो वही उन बच्चों को थोड़ा एक मोटिवेशन मिल गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी सोसाइटी और कोई भी बाहर ऐसा बड़ा नहीं है कि जिसको हम कॉन्कर नहीं कर पाए। तो वो उन्हीं के साथ दूसरा, बच्चों को करियर गाइडेंस की बहुत कम नॉलेज होती है इस टाइम पर जब हम देखते हैं, तो उनको करियर में आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इन सब बातों पर और कॉलेज में जो नए नए चैलेंजेस उनको देखने को मिलते हैं उनकी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, या कॉलेज की या समाज का प्रेशर हो, तो उन बच्चों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन दिया और उनको इन सब चैलेंजेस से अवगत कराते हुए वो कैसे इन चैलेंजेस से अपने आप को मजबूत रखते हुए आगे बढ़े, यही सब मैंने उनको मोटिवेट किया, यही मैंने उनको बताया है। कई बार क्या होता है कि हम एंजाइटी या प्रेशर में जितना हम पढ़ सकते हैं उतना भी नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चों को सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को बहुत काम कंपोज रहते हुए, कूल रहते हुए ही तैयारी करनी है, कोई एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना है। तो हम 4 से 5 घंटे या 6 घंटे तो डेली पढ़ते ही हैं, लेकिन हम उसमें एक ब्रेक ले लें, बहुत लगातार ना पढ़ें। एक अगर हम हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें जाना बंद हो गई है या किताब को सिर्फ खाली खोल के बैठे हैं तो उसको बंद कर दें, थोड़ा सा रिचार्ज हो जाएं, 10 मिनट की वॉक कर लें, आधा घंटा हम खेल लें, कुछ काम कर लें, फिर वापस रिचार्ज होकर पढ़ाई करें। तो इस तरह से खुद को मोटिवेट रखते हुए पढ़ाई करना है बिना प्रेशर लिए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।